सो वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जैसा कि आपको पता है हम आज कल जो है लोकोमोशन एंड मोमेंट्स uh, पढ़ रहे हैं कल के वीडियो में हमने सिकल्टल सिस्टम का पहला पार्ट खत्म किया था दैट इज़ एक्शल्टल ठीक है नाउ इन दिस वीडियो विल बी डीलिंग विद द अपेंडिकुलर पार्ट ठीक है सो अपेंडिकुलर सिकल्टल जो है इसमें हमने आपको पहले ही बोला था दैट इट कम्पराइज ऑफ़ द लिम बोन्स एंड द गर्डल्स मतलब जो हमारी अपर लिम और लोअर लिम के बोन्स हैं तो उनकी बोन्स ये कंपराइज करता है और जो हमारे पास पैल्विक गर्डल और पैक्टोरल गर्डल है उसमें जो बोन्स आती हैं उनको कम्पराइज करता है हमने एक्सेल सिकल्टन में क्या पढ़ा था एक्सेल स्कल्टन इज दैट पार्ट ऑफ द सिकल्टन जो मेन एक्सीज के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जिसमें हमारा सिकल आ गया वर्टिप्रल कॉलम रिब्सटर्नम ठीक है नव जो बाकी वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स बोन्स बची थी दे कम अंडर द अपेंडिकुलर स्कल्टन अगर हम अपेंडिकुलर स्कल्टन की बात करें इट कम्प्रेज़ ऑफ टू अपर लिम्स टू लोअर लिम्स वन पेल्विक गर्डल एंड वन पैक्टोरल गर्डल जो अपर लिम होती हैं दोनों अपर लिम्स में टोटल सिक्सटी बोन्स होती हैं दोनों लोअर लिम्स में टोटल सिक्सटी बोन्स होते हैं एक जो पेल्विक गर्डल है दैट इज मेड अप ऑफ टू बोन्स एंड जो पैक्टोरल गर्डल होता है दैट इज मेड अप ऑफ फोर बोन्स सो इस हिसाब से आ गया हमारा प्लस इज इक्वल टू वन ट्वेंटी प्लस टू वन ट्वेंटी टू प्लस फोर वन ट्वेंटी सिक्स तो आ गया हिसाब हमारे बोन्स का नाउ जो हमारी अपर लिम होती हैं दो अपर लिम्स में सिक्सटी बोन्स होते हैं मतलब एक अपर लिम में थर्टी बोन्स आएंगी ठीक है अब थर्टी बोन्स कौन कौन सी होती हैं वी हैव वन ह्यूमरस वन रेडियस वन अल्ना एट कॉर्पल्स कॉर्पल्स आर दो बोस प्रेजेंट इन द रिस्ट एंड देर कल्ड रिस्ट बोन्स फाइव मेटा कार्पल्स मेटा कॉर्पल्स आर दो बोन्च आर प्रेजेंट इन द पाम एंड फोटीन फैलेंजेस फैलेंजेस मतलब हो गए डिजिट ठीक है नौ इसको समझने के लिए हेयर इज द डाइग्राम देखो अपरलिम्ब आ गए यहाँ से ले कर यहाँ तक तो पहले क्या है वी हैव वन ह्यूमरस आफ्टर दैट वी हैव रेडियस एंड रेडियस किस कहां ओर है लेटरली बाहर भा, की ओर कीना अलना टूवर्डस द बॉडी प्रेजेंट है देन वी हैव दिस एट कार्पल्स रिस्ट बोन्स वी हैव दिस फाइव मैटा कार्पल्स पाम पाम बोन्स एंड वी हैव दिस डिजिट्स डिजट फैलेंजस आर फोटी सो डिजिट्स आर फोटी मैटाकार्पल आर फाइव कार्पल्स आर एट अलना एक रेडियस एक ह्यूमरस एक सो इस हिसाब से आ गई हमारी कितनी थर्टी बोन्स इन द अपर लिम सिमिलरली दूसरे अपर लिम में भी थर्टी बोन्स नाउ कमिंग ऑन टू द लोअर लिम ईच लोअर लिम इज मेड अप ऑफ थर्टी बोन्स सिमिलरली जैसे उसमें अपर लिम में एक अपर लिम में थर्टी बोन्स हैं वैसे ही एक लोअर लिम में भी थर्टी बोन्स हैं कौन कौन सी होती हैं देयर इज़ वन फीमर फीमर इज द थाई बोन एंड द फैक्ट अबाउट थाईबोन इज इट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी तो एक फीमर होती है एक टीबिया होती है एक फिब्यूला होती है देर आर सेवन टारसल्स सेवन टारसल्स मतलब टारसल्स मतलब विच आर प्रेजेंट एट द एंकल एंड दे आर कल्ड एंकल बोन्स फाइव मेटा टारसल्स डेट इज प्लान्टर बोन्स जैसे हमारे अपर लिम में पामर सरफेस होती हैं वैसे ही जो हमारा पैर होता है दैट सरफेस ऑफ द फुट विच इज़ फेसिंग ग्राउंड व्हेन वी आर अपराइट जो हमारे ग्राउंड के ग्राउंड uh, के ऊपर होता है दैट इज़ कल्ड प्लान्ट सर्फेस दे आर इट इज़ कॉल्ड प्लांटर दे आर कॉल्ड प्लांटर बोन्स एंड दे आर फाइव इन नंबर सिमिलरली जैसे हमने अपर लिम में फोर्टीन फैलेंजेस पढ़े थे यहाँ पे भी फोर्टीन फैलेंजेस होती हैं दैट इज़ द डिजिट बोन्स एंड अपर लिम में और लोअर लिम में यहाँ पे आपने क्या देखा दैट अपर लिम में जो है देयर वेयर एट कार्पल्स बट इन द लोअर लिम देयर आर ऑनली सेवन टार्सल्स ठीक है अब ये जो एक और बोन हमारी रह गई दैट इज द पटेला पटेला यू नो इट इज़ कॉल्ड नी कैप एंड इट इज कप शेप्ड और ये प्रेजेंट होती है मैंट्रली मेंट्रली मतलब आगे की तरफ सो इन ऑर्डर टू जस्टिफाई दिस नोट देखो यहाँ पे है लिम कहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ से लेके कर यहाँ तक सो पहले क्या आती है पहले आती हैं फ़ीमर उसके बाद आती हैं फिबुला फिबुला कहाँ की ओर है बाहर की ओर और।, और टीबिया कहाँ की ओर है अंदर की ओर देखो जो आपको क्वेश्चन आता है ना उसमें लेबलिंग में आपको याद रह जाता है कि फ़ीमर कहाँ पर है टीबिया कहाँ पर पटेला कहाँ पर है Uh, ये जो है फिबुला कहाँ पे है टीबिया कहाँ है आया समझ सिमिलरली अपर लिम में होता है कि प, 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 पता होती है कि ह्यूमरस कहाँ है रेडियस कहाँ अलना कहाँ है बट लेबलिंग में आप ये मिस कर देते हो कि जो अंदर की तरफ बोन थी वो टीबिया थी या फिबुला थी सिमिलरली जो अंदर की तरफ बोन थी वो रेडियस थी अलना थी मैंने आपको पहले ही बोला जो रेडियस होती है रेडियस इज प्रेजेंट अलॉग द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी एलॉग द थंब आप थम के साथ रेडियस जो है उसको याद रखना और अंदर की तरफ क्या आएगी अलना अंदर अलना सिमिलरली यहाँ पे क्या है यहाँ पे फिब्यूला बाहर की तरफ है और टीबिया अंदर की तरफ है ये यह आपको यहाँ पे ध्यान रखना है उसके बाद हेयर आर द एंकल बोन्स बारसल्स आर सेवन इन नंबर मेटा टारसल्स द प्लांटर बोन्स विचार फाइव इन नंबर एंड वी हैव फोटीन फेलेंजेस एंड हेयर इज़ द नी कैप द पैटेला जो हमने अभी बोला था इट इज़ कप शेप्ड एंड इज प्रेजेंट मैंटली ठीक है सो so, ये हो गया हमारा लोअर uh, लिम वाला पार्ट नाउ कमिंग ऑन टू द पेल्विक गर्डल सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि गर्डल होता क्या है देखो जो पेल्विक गर्डल और पैक्टोरल गर्डल होता है दे हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर लिम एंड लोअर लिम बोन्स रेस्पेक्टिवली विद द एक्शल स्कल्टन सो जो गर्डल्स होते हैं दे आर द फलक्रम आर द स्ट्रक्चर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग द अपर लिम एंड लोअर लिम बोन्स टू द एक्शल सिकल्टर ठीक है ना वी हैव टू गर्डल्स एक होता है पेल्विक गर्डल दूसरा होता है पैक्टोरल गर्डल पेल्विक गर्डल वो गर्डल होता है जो कनेक्ट करता है लोअर लिम के बोन्स को एक्शल के साथ सिमिलरली जो पैक्टोरल गर्डल होता है इट इज दैट गर्डल विच कनेक्ट द अपर लिम विद विदेशल सिकल्टर ठीक है ना कमिंग ऑन द पेल्विक गर्डल पेल्विक गर्डल बना होता है दो बोन्स का ठीक है एंड इट इज डिवाइडेड इन टू हाव्स हावस वाइल एज ईच हाव इज मेड अप ऑफ वन कागजल बोन तो हमारे पेल्विक गर्डल में जो दो बोन्स होते हैं दे The coxal bones, also called as hip bones. So, we have two co co coxal bones. इन वन पेल्विक गर्डल ठीक है और इसके बाद जो इस काक्जल बोन के बारे में एक फैक्ट है दैट इज़ ईच काक्जल बोन इज मेड फ्रॉम फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स दैट इज़ इलियम प्यूबिस एंड एशियम तो जो ये काक्जल बोन है इट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ थ्री बोन्स तीन बोन्स फ्यूज़ हो गई होती है उन्हीं से काक्जल बोन बनती है और वो तीन बोन्स का नाम क्या है इलियम प्यूबिस एंड एशियम इसमें आपको ये याद रखना है कि जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ा था आपने वहाँ पर भी आपने एक इलियम पढ़ा था दैट इज़ द दैट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बट वहाँ पे जो इलियम था उसकी उसमें ई था स्पेलिंग में तो ये ये भी आपको एग्जामिनर कन्फ्यूज़ कर सकता है कि इलियम ई वाला बोन है या आई वाला बोन है आपको यहाँ पे याद रखना है कि देखो आप ऐसे भी याद रख सकते हो मैंने कैसे रखा था जो डाइजेशन वाला चैप्टर है वो पहले आता है और जो सिकल्टल वाला चैप्टर है वो बाद में आता है सिमिलरली जो अल्फ़ाबेटिक आर्डर में ई जो है ई पहले आता है और आई जो है आई बाद में आता है ऐसे आप याद रख सकते हो कि जो इंटस्टाइन वाला है दैट इज ई और जो सिकल्टल वाला है दैट इज़ आई ठीक है नाउ मूविंग फॉरवर्ड इन दिस पेल्विक गर्डल इज दैट देखो एट द फ्यूजन ऑफ द इलियम प्यूबिस एंड ऐशियम जिस पॉइंट पे इलियम प्यूबिस और ऐशियम फ्यूज होती है देयर इज ए कैविटी कॉल्ड एस्टेब्यूलम एक कैविटी बनती है जिसका नाम है एस्टेब्यूलम और इस एस्टेब्यूलम के साथ जो थाई का हेड होता है दैट आर्टिकुलेट्स तो जो आर्टिकुलेशन जो जॉइंट बनता है हिप जॉइंट वो किसके बीच में बनता है दैट इज़ फॉर्मड बिटवीन द हेड ऑफ द फीमर एंड एस्टेबुलम ठीक है और ये एस्टेबुलम कहाँ पे प्रेजेंट होता है एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ दिस थ्री बोन्स इलियम प्यूबिस इशियम देखो इस डायग्राम में आप देख सकते हो हैव अ लुक हियर इज द हिप बोन इट इज़ मेड अप ऑफ थ्री बोन्च फ्यूज़ एक होती है एलियम उसके बाद प्यूबिस और उसके बाद एशियम ये यहाँ पर ये पॉइंट होता है जहाँ पे तीन बोन्स जो है फ्यूज होती हैं और यहाँ पर एक कैिटी बनती है डेट इज एस्टियम और इसी एस्टेब्यूलम के साथ हेड ऑफ ह्यूमर आर्टिकुलेट करता है ठीक है नौ आफ्टर दिस वन मोर पॉइंट दैट द टू हाउस ऑफ पेल्विक गडल टू हाउज ऑफिक गडल मतलब टू कागजल बोन्स दे मीट बेंट्रली टू फॉर्म प्यूबिक सिंपाइसिस एंड दिस प्यूबिक सिंफाइसिस जो होता है इट कंटेन्स फाइब्रस कार्टिलेज तो ये आपको एक हाई यील्डिंग पॉइंट है यह या आपको याद रखना है दैट द टू हावस ऑफ द पेल्विक गर्डल जो दो कागज कागजल बोन्स होते हैं वो आर्टिकुलेट करते हैं आगे की तरफ और वो बनाते हैं जॉइंट जिसका नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस और इस प्यूबिक सिंफाइसिस में जो इनके बीच में जॉइंट होता है दैट इज़ हेल्ड टूगेदर बाई फाइब्रस कार्टिलेज ठीक है तो ये पॉइंट बहुत ही हाई ईल्डिंग है बहुत बार क्वेश्चन आया है प्यूबिक सिंफाइसिस पे भी और फाइबरस कार्टलेज पर भी ठीक है नाउ कमिंग ऑन द लास्ट पार्ट दैट इज़ द पैक्टोरल गर्डल पैक्टोरल पहले गर्डल हमने पहले ही देखा कि पहलो गर्डल वो गर्दल होता है विच कनेक्ट द लोअर लिम बोन्स विद द एक्सल सिकर्टल सिमिलरली जो पैक्टोरल गर्डल होता है इट इज दैट गर्डल विच कनेक्ट द अपर लिम बोन्स विद द एक्सलिकल ना इन पेलवी गर्डल दे आर ऑनली टू बोन्स बट इन पेक्टोरल गर्डल देर आर फोर बोन्स प्रेजेंट जैसे कि हमने पैल्विक गर्डल को दो हाउस में डिस्ट्रीब्यूट किया डिवाइड किया सिमिलरली द पेक्टोरल गर्डल इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स एंड ईच हाफ इज मेड अप ऑफ टू बोन्स दैट इज क्लेविकल एंड स्कैपुला ठीक है इन दिस डायग्राम हियर इज द क्लेविकल ये जो लॉन्ग सिलेंडर बोन है हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है दिस इज द क्लेविकल एंड ये जो ट्रायंगुलर बोन है दिस इज द स्कैपुला ठीक है सिमिलरली ये अगर राइट right साइड का है लेफ्ट साइड से भी एक क्लेविकल होगी और एक सिकैपोला होगी, है ना तो ये हो गया पेल्विक गर्डल कंप्लीट। तो हम इस हाफ में कितनी बोन्स हैं दो बोन्स नाम तो हमने पढ़ लिया नाउ सम फैक्ट्स अबाउट दिस पेल्विक पेक्टोरल गर्डल जो सिकैपुला होती हैं सिकैपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर बोन जैसा कि हमने अभी देखा एंड इट इज सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरेसिक थोरैक्स ठीक है जो थोरैक्स कैविटी होती है थोरैक्स कैविटी होती है उसके डॉर्सल पार्ट में डॉर्सल पार्ट में मतलब पीछे की तरफ इट इज़ प्रेजेंट इन द डॉर्सल पार्ट एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन सेकेंड एंड सेवन रिब इसका क्या मतलब हो गया इसका मतलब हो गया ये इस डायग्राम में अगर आप देखोगे जो इस जो इसकी लेवल होती हैं किसकी इस की इस की लेवल क्या होती हैं जो इसका अपर बॉर्डर होता है यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं सेकंड रिब और जो इसकी लोअर बॉर्डर होता है यहाँ पे प्रेजेंट होती है सेवनथ रिब सो जो इसकी लेवल अगर हम अगर हम इसकी लेवल डिस्कस करें तो हम बोलते हैं जो स्कैपोला होती है दैट लाइज एट द लेवल ऑफ सेकेंड रिब टू दैवथ रिब तो सेकेंड रिब और सेवन्थ रिब के बीच में प्रेजेंट होती है ठीक है नाउ जो इसका द डॉर्सल फ्लैट ट्रैंगर बॉडी ऑफ स्केपुला हैज ए स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड स्पाइन विच प्रोजेक्ट एज ए फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड एक्रोमियन देखो इस पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ स्केपुला होती कैसी है देखो अगर आप आगे की तरफ स्कैपुला देखोगे दैट इज लाइक दिस कुछ ऐसी होती हैं ठीक है, है? यहाँ से आर्टिकुलेट करती हैं। बट अगर आप इसको बैक साइड से देखोगे बैक साइड से इट इज लाइक दिस बैक साइड से क्या होता है बैक साइड से इसकी बैक प्रस बैक साइड से एक प्रोसेस होती है जो बीच में इसके प्रोसेस होती है एक बोन का बना हुआ एक मास होता है एंड दैट इज़ कॉल्ड सुपाइन ठीक है ये सुपाइन जब हम लेटरली जाते हैं इस साइड की तरफ जाते हैं ये एक एक और प्रोसेस बनाती हैं एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एक्रोमियन ठीक है अब जो यहाँ से क्लेविकल होगी क्लेविकल इसी एक्रोमियन के साथ आर्टिकुलेट करती हैं क्योंकि वहाँ पे भी जॉइंट बनाना है वही इस पॉइंट में बोला गया है दैट द डॉर्सल फ्लैट ट्रैंगुलर बॉडी ऑफ द स्केपला एज ए स्लाइटली एलिटेड रीज़ एक रीज़ एक प्रोसेस एलिटेड होती हैं पीछे की सरफेस पे दैट इज कॉल्ड स्पाइन और यही स्पाइन प्रोजेक्ट करती हैं एज ए फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कल्ड एक्रोमियन ये क्लेविकल जो होती है इट आर्टिकुलेट्स द स्कैपूला एट एक्रोमियन इस डायग्राम में दिखाया गया है देखो यहाँ से क्लैविकल आ गई और क्लैविकल इस जो एक्सपेंडेड प्रोसेस है दिस इज द एक्रोमियन इसी के साथ आर्टिकुलेट करते हैं ठीक है नाउ बिलो दिस एक्रोमियन इज ए डिप्रेशन कार्ड ग्लियोनाइड कैिटी विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ ह्यूमरस टू फार्म शोल्डर जॉइंट जैसे हमने पैलविक गर्डल में पढ़ा था दैट एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ एलियम प्यूबिस एंड एशियम देयर इज ए डिप्रेशन कार्ड एस्टबूलम एंड इस एस्टेब्योम के साथ हेड ऑफ फ्यूमर आर्टिकुलेट करता है और बनाता है हिप जॉइंट सिमिलरली इन द अपरलम बिलो द एक्रोमियन बिलो दिस प्रोसेस बिथ दिस एक्रोमियल प्रोसेस देयर इज आल्सो डिप्रेशन ये एक्रोमियल प्रोसेस है ये प्रोसेस एंड ये है वो डिप्रेशन एंड इट इज़ कॉल्ड ग्लूनोइड कैविटी ठीक है इस ग्लूनोइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ ह्यूमरस और बनाता है क्या शोल्डर जॉइंट ठीक है नाउ द लास्ट पॉइंट अबाउट क्लेविकल इज दैट ईच कलेविकल इज अ लॉन्ग सिलेंडर बोन ये मैंने आपको पहले ही दिखाया था लॉन्ग सिलेंडर बोन लाइंग हॉर्जेंटली एंड इट हैज़ टू करवेचर्स टू करवेचर्स आप यहाँ पे नहीं समझ आएगा बट अगर आप फील करोगे यू विल फाइंड दैट जो बाहर की तरफ पार्ट होता है ट्रैविकल का वो कनकेव होता है है ना अगर आप बाहर आगे से इसको पालपेट करोगे और जो अंदर की तरफ जो मीडियली प्रेजेंट होता है वो कन्वेक्स होता है सो so, इसके टू करवेचर्स होते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉमनली कॉल्ड कॉलर बोन ठीक है सो दिस कंप्लीट्स आर डिस्कशन ऑन अ पर्टिकुलर जितने भी पॉइंट्स इसमें हैं जितने भी हाई एल्डिंग पॉइंट्स हैं जितने भी इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको इसमें बोल दिया सो आई होप आपको समझ आ गया होगा सो कीप सपोर्टिंग आर काज कीप शेयरिंग दिस वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स जो एलेवंथ में पढ़ रहे हैं एंट्रेंस में पढ़ रहे हैं एंड एज़ यूजल इसका पी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा सो कीप सपोर्टिंग कीप स्टे सेफ अल्लाह हाफिज